हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल खुशबू कुक्स पे। आज मैं तीन तरह की चटनी और चोखा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ आलू टमाटर और बैंगन की चोखा की रेसिपी। इसके लिए मैंने यहाँ एक छोटा बैंगन लिया है, उसे हमें रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ ग्रिल रखा है, फ्लेम ऑन किया है, हल्का सा मैंने तेल लगा दिया है, सरसों तेल। तेल लगाने से बैंगन जो है जल्दी रोस्ट होता है और अच्छे से रोस्ट होता है। इसे हर तरफ से पलट के हमें रोस्ट कर लेना है। इसमें 7 से 8 मिनट लग सकता है। फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। ये देखिए, रोस्ट होने के बाद काफ़ी ये सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। हमें हर तरफ से इसे अच्छे से रोस्ट करना है। अब टमाटर को रोस्ट कर लेंगे। टमाटर को भी रोस्ट करने के पहले इसमें तेल लगा लेंगे। तेल लगाने से अच्छे से रोस्ट होता है और जल्दी रोस्ट होता है, स्किन जो है जलता नहीं है। टमाटर को रोस्ट करने में हमें 9 से 10 मिनट लग सकता है। ये देखिए, हर तरफ से हमें इसे पलट के रोस्ट कर लेना है। ग्रिल हटाकर इसे पलटते रहें। टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा रोस्ट होने के बाद। बैंगन और टमाटर अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब देख लेते हैं चोखा बनाने के लिए क्या चाहिए। एक बैगन मैंने लिया है रोस्ट किया हुआ, एक टमाटर लिया है, 3 हरी मिर्च ये भी मैंने रोस्ट कर लिया है, 4 लहसुन की कलियाँ, 1 उबला हुआ आलू, धनिया पत्ता, कटा हुआ प्याज, सरसों का तेल, 1/2 टेबल स्पून नमक स्वाद के अनुसार। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चोखा। सबसे पहले बैगन का छिलका हटा लें और अंदर चेक कर लें कि कीड़ा तो नहीं है। मैंने अच्छे से छिलका हटा लिया और चेक कर लिया है। इसके बाद इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, या फिर मैं यहाँ खली ले रही हूँ, इसे हमें ऐसे क्रश करते हुए मैश कर लेना है। आप कोई भी खली यूज कर सकते हैं। अच्छे से मैश होने के बाद इसे बर्तन में निकाल लें। बैगन को मैश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हल्का सा हमें इसे बस मैश कर देना है। इसी तरह टमाटर को भी हमें मैश कर लेना है। इसका छिलका पहले हटा दें, उसके बाद इसे खली में मैश कर लें। आप चाहे तो ग्राइंडर में एक बार ग्राइंड भी कर सकते हैं, मगर उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है। अगर आपके पास खली नहीं है तो आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। ऐसे खली में धीरे धीरे मैश कर लें। मिर्च और लहसुन को मैंने तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए तब उस पर मिर्च और लहसुन को रोस्ट कर लें। 2 से 3 मिनट लगता है बस मिर्च और लहसुन को रोस्ट करने में। देखिए, टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुका है। ये देखिए, अच्छे से इसका पेस्ट बन चुका है। इसे भी बर्तन में ले लेंगे। अदरक लहसुन को भी हमें खली में कूट लेना है। इसका भी टेस्ट तैयार कर लें ऐसे करके। ये देखिए, ध्यान रखना कि कोई भी साबुत ना रहे। आलू को मैश कर लें। आलू डालें, प्याज, धनिया पत्ता डालें। प्याज हमने भारी काट लिया है। नमक स्वाद के अनुसार डालें, सरसों तेल डालें, अच्छे से मिला दें। अच्छे से सब कुछ मिला दें। आप चाहे तो आलू स्किप कर सकते हैं, आलू के बिना भी ये चोखा बनता है। अच्छे से मिलाने के बाद इसे सर्व करें। लिट्टी चावल या फिर रोटी, इसके साथ परफेक्ट लगता है ये चोखा। अच्छे से मिला दें। ये देखिए, चोखा तैयार है, आलू बैंगन टमाटर का चोखा। चलते हैं दूसरी रेसिपी में। यहाँ मैं टमाटर की चटनी की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए मैंने सेम वही टमाटर को रोस्ट कर लिया है, मिर्च और लहसुन को रोस्ट कर लिया है, वही प्रोसेस है। तेल लगाकर हमें ग्रिल कर लेना है। इसे स्किन हटा लें टमाटर का। इसे भी हमें खली में कूट लेना है। पेस्ट बना लें इसका। मिर्च लहसुन एक साथ डालें, नमक डालें, इससे पेस्ट बनने में आसानी होती है। तेल डालें। तेल मैंने यहाँ 1/2 टेबल स्पून लिया है, 2 मिर्च, 3 लहसुन और 1 टमाटर लिया है। सेम प्रोसेस है, वैसे ही करना है। आप चाहे तो ग्राइंडर में एक बार हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं।
खली है तो और बेस्ट है, वो टेस्ट ज्यादा आता है खली में चटनी बनाने से, ऐसे कूट ले। रोटी या पराठा, बहुत अच्छा लगता है ये चटनी। रोटी पराठा चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, अच्छे से कूट लेना है हमें। लहसुन मिर्च टमाटर तीनों को मैंने रोस्ट कर लिया है, सेम प्रोसेस जैसे मैंने रोस्ट करना बताया। तैयार है चटनी, अब चलते हैं धनिया पत्ता की चटनी बनाने। धनिया पत्ता की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है धनिया पत्ता, अच्छे से मैंने धोकर साफ कर लिया है। 3 हरी मिर्च लेंगे, 4 लहसुन की कलियां, 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1/2 टेबल स्पून सरसों तेल और नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ मैंने कुछ भी रोस्ट नहीं किया है, सारा रॉ है। सबसे पहले धनिया पत्ता को हमें ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना ले। ये देखिए धनिया पत्ता को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें मिर्च डालेंगे, 3 मिर्च मैं ले रही हूँ, आप चाहे तो कम कर सकते हैं। लहसुन डालें, नींबू का रस डालें, नमक स्वाद के अनुसार डालें और सरसों तेल डालें। नींबू के रस की जगह आप अचार, आम का अचार भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अचार का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद चटनी का कलर जो है थोड़ा लाइट हो जाता है। रोटी पराठा या फिर चावल धनिया पत्ता सबके साथ बेस्ट लगता है। यार है, आप इसे कम से कम 1 वीक तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपीज अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।